सिया को घुटनों तक की नाइटी में सीढ़ियों से उतरते देखा। राघव की दादी गुस्से में आंखें फाड़कर सिया की तरफ घूरते हुए बोली, ये लड़की और मेरे पोते राघव की बहू, ऐसी बहू जिसे ना कपड़े पहनने की तमीज है और ना ही घर संभालने की। सूरज सिर पर चढ़ चुका है और ये महारानी अभी भी नींद में चल रही है। दादी की बात सुनते ही राघव ने अपनी दादी को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है दादी, सिया तो सुबह जल्दी ही उठ जाती है, और रही बात उसके कपड़ों की, तो आप उसके छोटे कपड़े देखकर उसे जज नहीं कर सकती। छोटे कपड़े पहनने के बाद भी सिया बहुत संस्कारी और सुलझी हुई लड़की है। सीढ़ियों से उतर रही सिया ने जैसे ही हॉल से राघव और उसकी दादी की आवाज सुनी तो उसने तुरंत दादी की तरफ देखा और उन्हें अपनी तरफ घूरते देख सिया सीढ़ियों से वापस दौड़ते हुए राघव के कमरे में पहुंच गई और अपनी नाइटी चेंज करके सूट पहनकर वापस आई और आकर दादी के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लेने लगी। दादी ने सिया के सिर पर हाथ रखकर भले ही उसे आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन उसे सिया अपने पोते की बहू के रूप में जरा भी पसंद नहीं आई, इसलिए उसने सिया के कपड़ों पर ताना कसते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जरा भी नहीं सिखाया कि अपने बड़ों के सामने कैसे कपड़े पहनना चाहिए और कैसे नहीं। लेकिन सिया को बचपन से ऐसे तानों की आदत थी, इसलिए सिया ने दादी की बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप उनके सामने अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई और दादी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। सिया को ऐसे चुपचाप मुस्कुराते देख राघव सिया के पास आया और सिया की टांग खींचते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, आज मेरी ये शेरनी भीगी बिल्ली कैसे बन गई? राघव की बात सुनकर सिया हल्की सी मुस्कान के साथ राघव की तरफ देखने लगी। तभी दादी ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, ये आजकल की लड़कियों को तो जरा शर्म नहीं है कि अपनी दादी सास के सामने सर पर पल्लू तो ढक ले। चार अक्षर क्या पढ़ लेती है, अपने बड़ों का मान सम्मान करना सब भूल जाती है। दादी की बात सुनते ही सिया ने अपने सिर पर दुपट्टा ओढ़ लिया और अपनी नजरें राघव से हटाते हुए नीचे जमीन पर गाड़ ली। तभी दादी ने सिया पर अपना हुक्म चलाते हुए कहा, आज के बाद तुम सुबह जल्दी उठोगी, साड़ी पहनकर पूजा पाठ करोगी, पूरे घर की साफ सफाई करोगी और हमारे लिए नाश्ता भी बनाओगी, और हाँ, सबसे खास बात, मेरे सामने हमेशा अपना सिर ढक कर ही रहोगी। दादी की बात सुनते ही सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, लेकिन तभी राघव ने अपनी दादी से कहा, नहीं दादी, सिया ऐसा कुछ नहीं करेगी, ना वो घर की साफ सफाई करेगी और ना ही सुबह जल्दी उठेगी। उसका जब मन करेगा वो तब उठेगी, अगर उसका मन करेगा तो ही वो सबके लिए खाना बनाएगी, और हाँ, आप उसे जबरदस्ती कोई भी कपड़ा पहनने के लिए मजबूर नहीं करेंगी, उसका जो मन करेगा वो वही करेगी। राघव की बात सुनते ही दादी गुस्से से चिल्ला कर बोली, हे राम, मेरा पोता तो पूरा जोरू का गुलाम बन गया है, उसकी बीवी जो कहेगी वो वही करेगा, हमारी तो कोई कदर ही नहीं रही। और इतना कहकर दादी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। दादी को वहाँ से जाते देख सिया दादी के पीछे पीछे चलते हुए बोलने लगी, दादी 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 प्लीज रुक जाइए, दादी मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप गुस्सा होकर मत जाइए। लेकिन दादी सिया की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी और अपने आप में बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी हॉल के एक कमरे की तरफ जा रही थी। सिया दादी को मनाने के लिए दादी के पीछे पीछे चल रही थी। तभी राघव ने पीछे से सिया को आवाज देते हुए बोला, रुको सिया, तुम्हें दादी के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। राघव के इतना बोलते ही सिया वहीं के वहीं रुक गई, लेकिन दादी बड़बड़ाते हुए गुस्सा होकर वहां से चली गई। तभी सिया राघव के पास आई और राघव पर गुस्सा करते हुए बोली, राघव, तुम्हें दादी को ये सब कहने की क्या जरूरत थी? मैं उनका दिया हुआ सारा काम कर सकती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खामखा तुमने दादी को नाराज कर दिया। इतना सुनते ही राघव ने सिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, वो मेरी दादी है और मैं उनका इकलौता पोता, वो मुझसे कभी नाराज नहीं होगी, अगर वो मुझसे नाराज हुई तो मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन सिर्फ दादी को खुश करने के लिए मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी हो, ना कि कोई नौकरानी। राघव की बात काटते हुए सिया ने राघव से कहा, नहीं राघव, ये सच नहीं है कि कोई औरत अपने घर का काम करती है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि वो उस घर की नौकरानी है या फिर उसके साथ गलत हो रहा है, बल्कि कोई औरत अपने घर के काम इसलिए करती है क्योंकि उन्हें अपने घर को अपने हाथों से सजाना और अपने परिवार के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। इतना सुनते ही राघव ने सिया के कंधों पर हाथ रखा
और उसे अपने करीब लाते हुए बोला, मैं जानता हूँ सिया कि तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम मेरी दादी को नहीं जानती। भले ही वो मेरी दादी है और मुझे बहुत सारा प्यार भी करती है, लेकिन वो अपने घर की बहू को गुलाम समझती है। इसीलिए तो पापा अपनी दूसरी पत्नी को लेकर कभी भी दादी के पास गांव नहीं गए। सिया राघव से उसके पिता या सौतेली माँ के बारे में कुछ भी पूछ पाती, उससे पहले ही राघव के फोन पर किसी की कॉल आ गई और वो बात करने के लिए बाहर बगीचे में आ गया। सिया हॉल से सीधा ऊपर राघव के कमरे में चली गई, लेकिन रूहान वहीं अपने कमरे में दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। सभी के वहां से जाते ही रूहान ने दरवाजे के पीछे छुपे हुए डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए अपने दिमाग में एक प्लान तैयार किया और अपने आप से कहा, मिल गया, मुझे मेरे खेल का मोहरा, एक ऐसा मोहरा जो राघव और सिया को दूर करने में मेरी बहुत बड़ी मदद करेगा। अब देखना मैं कैसे राघव को उसकी सिया से अलग करता हूँ और कैसे सिया के दिल में अपने लिए जगह बनाता हूँ। वही राघव कॉल रिसीव करने के लिए होल से निकलकर बाहर बगीचे में आया और वहाँ जाकर उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, तभी फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, राघव सर, आईपीएस सुमेर देशमुख कोई और नहीं बल्कि सूर्या देशमुख का भाई है जो आपसे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। इतना सुनते ही राघव ने चौंकते हुए फोन पर उस आदमी से कहा, क्या सूर्या देशमुख का भाई एक आईपीएस ऑफिसर? लेकिन सूर्य तो, राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही फोन के दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, राघव सर, रूहान अग्रवाल का मानसी के केस से कोई कनेक्शन नहीं है, और हाँ, रूहान ने अपना वो घर तो आपकी शादी के बाद ही बेच दिया था, अब उसका उस घर से कोई लेना देना नहीं है। इतना सुनते ही राघव चौंक गया और चौंकते हुए बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि रूहान मानसी के साथ मिला हुआ नहीं है? लेकिन अगर रूहान का उस केस या मानसी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर वो घबरा क्यों गया था? आखिर क्या छुपा रहा था रूहान मुझसे? यही सब सोचते हुए राघव ने उस आदमी से कहा, नमन, तुम ये पता करो कि रूहान दिल्ली में कहाँ जॉब करता है और वो हाल फिलहाल में मुंबई आया था या नहीं। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा राघव क्या खुद को और अपने रिश्ते को अपने दुश्मनों की बुरी नजर से बचा पाएगा? आखिर अब कौन सी चाल चलने वाला है रूहान, सिया और राघव को अलग करने के लिए? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ऑनली ऑन पॉकेट एफएम पर।